दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीर उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। अब अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम टिन लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का 4th देश है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका रूस और चीन के सिर सजा था। चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है। जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं, जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है।